हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर यू पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैटर से हम क्या समझते हैं? मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है कि स्पेस ऑक्यूपाइड करती है। ठीक है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो और साथ में उसका एक मास हो, उसे हम मैटर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चौक, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, चौक, डोर, ब्रांचेस, ट्री, ये ऑल ओवर सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अगर हम बात करें मास की, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला था मास, मास क्या होता है? मास ना एक तरीके से वेट जैसा होता है, बट एक्चुअल में वेट नहीं होता है। ठीक है, तो मास क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको मास को डिफाइन करूँ, देखो मास और वेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है जो कितने केजी का है, 10 केजी का है, और उसके अंदर 10 बुक्स फिल हैं। ठीक है, 10 बुक हैं, 10 बुक का वेट है आपका 9 केजी, और बैग के अंदर डालने के बाद उसका वेट हो जाता है 10 केजी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक आपके पास, अगर मैंने बोला इसका वेट कितना है, तो आप कहेंगे 10 केजी इसका ऑल ओवर वेट है। अगर मैं पूछूंगी मास कितना है, तो मास आपको बताना है कि उस बैग के अंदर जितनी चीज़ें फिल हैं उसका वेट कितना है, यानी कि मास हो जाएगा 9 केजी। और एक चीज़ याद रखना, मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट लेकिन वेट के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये मैटर की छोटी सी डिफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी वही। अब आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, हम किसी चीज़ को मैटर कब कह सकते हैं। तो देखो ज़रा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यानी कि जो आपके मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी स्प्लिट। एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। सेकेंड है, दिस पार्टिकल आर टू स्मॉल, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, यानी कि हमेशा ही मेनली मूव करते हुए आपको दिखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको स्टॉप दिख जाए। स्टॉप जब दिखेंगे जब उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, और वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको मेनली याद रखना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। इसके बाद है आपका, दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, किसके पार्टिकल? मैटर के पार्टिकल, वो एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके थ्रू अट्रैक्ट करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसकी जो स्टेट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो 3 स्टेट है मैटर की, यानी कि हमारे सराउंडिंग में मैटर 3 टाइप से हमको देखने को मिलता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। अच्छा, अब इनमें पार्टिकल्स की बात करिए, जो आप देख रहे हैं ये जो स्फेरिकल शेप में है, ये सब क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब इनके बीच में, अब देखो ये पार्टिकल ना बहुत ज़्यादा पास है, क्या आपको दूर दिख रहा है? नहीं, पार्टिकल बहुत पास होने की वजह से इसका मतलब आपको यहाँ देख के ही लग रहा है कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये टाइटली बाउंडेड है। और देखो, टाइटली बाउंडेड होने की वजह से इनका एक शेप फिक्स है। आपने बर्फ़ देखी है ना अपने घर में, उसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल फिक्स होता है ना? तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनका एक डेफिनेट शेप होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और एक डेफिनेट मास होता है। बट अगर हम बात करें लिक्विड के, लिक्विड के पार्टिकल कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़े से दूर हैं। इसका मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा सा वीक है, इसी वजह से पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं। और लिक्विड के अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसका मतलब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। ठीक है, और जो गैस होती है उसकी भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की,
क्लियर। ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। देखो मैंने आपको बताया कि सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास होता है, बट लिक्विड के अंदर ओनली डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट मास होता है, बट इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। आपने कभी देखा, आपने ग्लास के अंदर पानी डाला तो क्या वो ग्लास जैसा शेप ले लेता है? बिल्कुल नहीं। आप उसे दूसरे बर्तन में डालेंगे वो उसके जैसा बन जाएगा, यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता। बट अगर हम बात करें गैस की, गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स क्या होता है इसका मास होता है, क्योंकि हम इसको जिस कंटेनर में डालते हैं ना, ये उस कंटेनर को फुल्ली ऑक्यूपाइड कर लेता है, पूरी तरीके से फिल हो जाता है। अगर हम बात करें इन तीनों के बीच के डिफरेंस की, तो क्या क्या है ये देख लेते हैं फटाफट से। देखो पहली चीज़, यहाँ पर जो जो मैंने आपको बताया था, आप उनको उन्हीं चीज़ों को माइंड में सेटअप करके रखिए, देन उसके तरीके से आप सारे पॉइंट्स क्लियर कर लोगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसका मतलब हमें लगता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। बट हम एक एक पॉइंट को करके क्लियर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर कई बार तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। और हो सकता है आपको तीनों के अंदर ही डिफरेंस पूछ लिया जाए, या ओनली सिंगल वन के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फार अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड जो मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसका मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरिजन टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है। गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम यहाँ पे रिपल्सन नहीं कह सकते, क्योंकि वो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, बस वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत कम है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखो आपको एक चीज़ पता है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, आपको पता है ना? नहीं पता है तो भी याद रख लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉयल हो जाता है, और अप्रॉक्स 250 से 30, कितना, 250 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्स 5 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका जो सॉलिड थी, बर्फ़ थी, वो लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी। 100 डिग्री पे आपका वाटर बॉयल होने लग जाएगा, 250 पे अप्रॉक्स वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का आपका काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना है? काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, जो गति की वजह से हो, मोशन की वजह से हो। आप देखते हैं, अगर ये पार्टिकल मूवमेंट करने लग जाएं, जितना ज़्यादा पार्टिकल मूवमेंट करेंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई, बट लेकिन पार्टिकल्स मोशन में कब होंगे? अभी आपने यहाँ देखा सॉलिड, ठीक है, आपने यहाँ सॉलिड देखा, ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर मैंने आपको कितना बताया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही ये लिक्विड वाले स्टेट में आया, इसका टेम्परेचर मैंने आपको कितना बता दिया, 5 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही ये बॉयल करेगा, यानी कि पानी आपका उबलने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर वो 100, यानी कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो उनके बीच में गैप आने लग जाएगा। इसका मतलब देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पार्टिकल दूर दूर जाने लग रहे हैं, इन पार्टिकल्स में मोशन भी होगी, पार्टिकल इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि सॉलिड में देखो आपने देखा है सर्दियों के टाइम पे सारे एक जगह बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है ना, बट लेकिन जैसे गर्मी वगैरह होती है तो बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो यही सिचुएशन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। आपने देखा है आप सर्दियों के टाइम पे अपने हाथों को रब करते हो, हाथों को रब करने की वजह से आपके हाथों में मोशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट है ना वही एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना ही टेम्परेचर को कम करते जाओगे काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। ओके, तो कंसेप्ट पे आते हैं अपने। अभी बात करें तो सॉलिड की, यानी कि बर्फ़ की, बर्फ़ के अंदर पार्टिकल मोशन में है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
पार्टिकल मोशन में नहीं है, टेम्परेचर ज़ीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स ज़ीरो को रीच कर जाएगी। लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़ा सा दूर होते हैं, इसका मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी। और गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा ही मोशन में होते हैं, जिसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा होगी, है ना। और इसका सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और सॉलिड आपके फ्लो नहीं कर सकते, है ना, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, बट लिक्विड आपका फ्लो कर सकता है और गैस भी आपका फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड आपका इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है एक तरीके से जो इनके बीच का गैप है ना, पार्टिकल्स का, उस गैप को कम करना। तो सॉरी, जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या आपको गैप दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, गैप नहीं दिख रहा, तो आप इसके गैप को कम कैसे कर सकते हो, यानी कि ये कॉम्प्रेसिबल नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल के अंदर आपको गैप दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेस हो सकता है। गैस के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसके बीच में गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर आगे चलते हैं। सॉलिड जो है क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते इसको, और लिक्विड ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, यानी कि हल्का फुल्का आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं। गैस जो है आपका क्या है, हाईली कॉम्प्रेसिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस को हम किसी कंटेनर में किस तरीके से फिल कर पाते हैं, क्योंकि आप इसका रीज़न दोगे, क्योंकि जो गैस है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है, आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेस कर सकते हो, जिसकी वजह से वो कंटेनर में फिल हो जाती है ईजिली। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है उसके कॉमन एंड SI यूनिट क्या है, व्हाट इज SI यूनिट। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखो, SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए सेम हो यूनिट, ठीक है, उसे कहते हैं SI यूनिट। ठीक है, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, कॉमन यूनिट है इसकी डिग्री सेल्सियस, और SI यूनिट है इसकी केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की नॉर्मल यूनिट जो है, यानी कि कॉमनली यूनिट है, वो डिग्री सेल्सियस है, और जो इसकी SI यूनिट है वो है केल्विन, जिसको आप K से डिनोट करते हो, सेल्सियस को आप C से डिनोट करते हो। और जो रिलेशन है बिटवीन कॉमन यूनिट और SI यूनिट के बीच में, वो क्या है, देखो, 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कि किस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात, सबसे पहले देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द फॉलोइंग टू वेज, यानी कि टू वेज की हेल्प से, दो तरीकों से हम मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको चाहिए पड़ेगी क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर की हेल्प से, और दूसरा है प्रेशर। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करवा सकते हो। ठीक है, अब कैसे करवाएंगे, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से किस तरीके से हम चेंज करेंगे। पहला है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड आपको पता है ना, बर्फ एज अ आइस हम ले सकते हैं, लिक्विड क्या है, जो नॉर्मल हम वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, अरे घर में हम क्या करते हैं कि जो आइस होती है, बर्फ होती है, अगर हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दें या फिर हम उसे गैस पे हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपने वहाँ टेम्परेचर यूज़ करा, बट आपको एक चीज़ नहीं पता कि वहाँ पर एक प्रेशर भी इंक्लूड हो रहा है ना। तो जो प्रेशर है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है वो मैं आपको बताऊँगी, फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर की हेल्प से चेंज करेंगे। देखो, ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो, क्योंकि देखो सॉलिड का टेम्परेचर मैंने आपको 0 डिग्री सेल्सियस बताया था, ये MCQ 1 word क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि जो सॉलिड है यानी कि आइस है उसका टेम्परेचर कितना होता है, लिक्विड का टेम्परेचर यानी कि वाटर का जो लिक्विड वाला टेम्परेचर है वो कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि, और जो आपका वाटर है उसका
गैसियस पॉइंट कितना होगा, कब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि सॉलिड का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयर बाय सॉलिड गेट कन्वर्ट इन टू लिक्विड, जिसकी वजह से देखो पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ना, पार्टिकल मोशन में आएंगे जिसकी वजह से आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्ट का मतलब होता है क्या? पिघलना। अब चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि जब आपका सॉलिड कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड में उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। या फिर आपने सुना होगा ना कि कहते हैं हम कि बर्फ़ मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, आइस मेल्ट हो रही है, तो ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद है क्या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर हमें एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की भी ज़रूरत होती है। और प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है वो देखो। मान लो ये आपका है क्या, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे जैसे आप इसको हीट करेंगे ये पार्टिकल थोड़ा सा दूर होने लग जाएंगे और इनके बीच में क्या हो जाएगा, जो प्रेशर देखो एक तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉपरली फिक्स है। तो इसके प्रेशर को हमें करना है कम, प्रेशर को कम कर देना है, टेम्परेचर को बढ़ा देना है, जिसकी वजह से ये इस तरीके की कंडीशन में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि 0 से थोड़ा सा ही आपका टेम्परेचर राइज होगा ना तो आपकी बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिक्विड टू गैस, कि किस तरीके से आप जंप करेंगे लिक्विड टू गैस में। देखो, ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक अ वाटर, आपको वाटर को और ज़्यादा हीट करना है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी गैस की और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस में, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग मतलब एक तरीके से उसमें बॉयल होना, उबलना है ना। द चेंज ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड अ बॉइलिंग। देखो, जिस सिचुएशन के साथ यानी कि जिस सिचुएशन से गुजर के आपका लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में तो वो उबलेगा ना, आपका पानी है ना बॉयल होगा, तो जिसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा गैस में और इसी को हम कहते हैं बॉयलिंग, ठीक है। उसके बाद है बॉयलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, जो टेम्परेचर है बॉयल होता है और रैपिडली चेंज हो जाता है किसमें? गैस में। और साथ में वहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करें गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड में जाने के लिए आपको प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को करना पड़ेगा डिक्रीज। इस चीज़ का मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे हमने ये करा, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था, एक सेकेंड। हाँ देखो, अगर ये है आपके क्या है, गैस के पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। अगर इन पार्टिकल से आपको बोला जाए कि गैस के पार्टिकल से आपको कन्वर्ट करना है इसको लिक्विड में, यानी कि इन पार्टिकल ये इतने दूर हैं इसको थोड़ा पास लेके आना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आप इन पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा पास लेकर आ गए। आप इन पार्टिकल्स को पास तो लेकर आए बट लेकिन आप जैसे ही, यानी कि देखो, आप इन पार्टिकल को पास लेके आए कोई ना कोई प्रेशर के थ्रू, आपने चारों तरफ से प्रेशर लगा रखा होगा, बट जैसे ही आप इसके साइड का प्रेशर हटाएंगे ना तो ये पार्टिकल वापस उसी सिचुएशन उसी कंडीशन में चले जाएंगे जैसे ये पहले थे। तो यानी कि ऐसा क्या करा जाए कि ये पार्टिकल जिस पोजिशन में आपने रख रखे हैं वहीं पर फिक्स हो जाए, यानी कि आपको टेम्परेचर को करना पड़ेगा डिक्रीज, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हमें प्रेशर को तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर फॉलो करी है। क्या करी है कि आपको जैसे आपने देखो उसको जो गैस है, गैस को सबसे पहले आपको कूल करना है, ऑन कूल अ गैस लाइक स्ट्रीम या फिर वाटर वेपर, आपको उसको ठंडा करना है।
जिसकी ठंडा करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई होगी पार्टिकल्स की, और प्लस में वहाँ पर प्रेशर को आपको कर देना है इंक्रीज, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस, गैस से कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में। इसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न इनटू अ लिक्विड, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, क्लियर। ये डेफिनेशन भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है। इसके बाद है लिक्विड टू सॉलिड, कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड टू सॉलिड। देखो, लिक्विड टू सॉलिड जाने के लिए आपको और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल डाउन व्हाइल लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, आपको लिक्विड को बहुत ज़्यादा कूल करना पड़ेगा टेम्परेचर को कम करके, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सॉलिड है, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो होती है, क्योंकि जब सॉलिड आइस में पहुंच जाता है ना, यानी कि जो आपका सॉलिड है जिसे हम आइस भी कहते हैं, उसका टेम्परेचर मैंने आपको 0 डिग्री सेल्सियस बताया था, ठीक है। तो एंड कम टू द स्टेशनरी पोजिशन, यानी कि वो एक फिक्स पोजिशन पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब है जमना, आपके वाटर का यानी कि लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो द चेंज ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस इनटू अ सॉलिड, यानी कि जब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एक टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, फ्रीजिंग सॉलिड स्टेट में, उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद है मेन पॉइंट आपका फ्यूज़न और लेटेंट हीट। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न का मतलब होता है टूटना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जब आपका लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, जिसे हम कहते हैं फ्यूज़न। आप देख रहे हो सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल एकदम फिक्स होता है, इन पार्टिकल्स को अलग अलग होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कहाँ चले जाएंगे, कौन से स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फ्यूज़न। लेटेंट हीट एक वो हीट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, एक हिडन हीट होती है, जिसकी वजह से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर जाते हो। आपने देखा है अगर आप बर्फ़ को थोड़ी देर अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो वो कुछ देर बाद ही मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। क्या आपने उसके अंदर की हीट देखी, नहीं। तो ये वही हीट है जो लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं, और ये हिडन हीट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करने में आपकी हेल्प करती है। द हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी रस इन द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। नॉर्मली वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है लेटेंट हीट। इसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, देखो एक ऐसा प्रोसेस सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर की हेल्प से या फिर हीट की हेल्प से। देखो आपने देखा है कपूर आपके घर में होता है ना, पूजा के लिए यूज़ करते हैं, ये जो कपूर है जब आप उसको हीट करते हो जलाते हो तो क्या उसमें कोई लिक्विड बचता है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, क्योंकि आपको कुछ दिखता ही नहीं है, जैसे आप उसे जलाते हो वहाँ पर कुछ नहीं बचता। इसका मतलब वो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो कपूर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देन इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ एसआई यूनिट्स को। तो इसके एसआई यूनिट्स क्या क्या हैं, ये एसआई यूनिट देखो जरा, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये जो एसआई यूनिट है इनको देखते हैं जरा, इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट क्या क्या है। अच्छा सबसे पहले मेरे को एसआई यूनिट बताइए क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। एसआई यूनिट क्या होता है कि एसआई यूनिट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए सेम हो,
तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की एसोनेट हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसकी जो एसोनेट है वो होती है कैल्विन और इसका सिंबल होता है के। लेंथ जो है, लेंथ पूरे ऑल ओवर के लिए मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, यानी कि इसकी एसोनेट होगी मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास की जो एसोनेट होती है वो होती है किलोग्राम और इसका सिंबल होता है केजी। वेट है, वेट की एसोनेट क्या होती है न्यूटन और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को आप किस में मेजर करते हो, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर आपने देखा है, वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, लेंथ, वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लेंथ को भी हम मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को भी मीटर में मेज़र करते हैं, हाइट को भी मीटर में मेज़र करते हैं। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो पता है ना, बेस सेम होता है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा, एम की पावर 3। यानी कि इस तरीके से आपकी ये सिंबल निकला है मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो, डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एम अपॉन में वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इसका सिंबल कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो मास की एसोनेट क्या बताई थी अभी अभी जस्ट, केजी यानी कि किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसोनेट क्या थी, मीटर क्यूब यानी कि मीटर क्यूब। अगर आप इतना छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप इस मीटर क्यूब को ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा केजी एम और माइनस 3 या इनवर्स 3, इसको इनवर्स में कहते हैं, यानी कि जब ये पावर्स आपके ऊपर आ जाती है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर की जो एसोनेट है वो होती है पास्कल और इसका जो सिंबल होता है पीए। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी डाउट है आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।